أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم। आज मैं सीतपुर में आया ठहरा हूँ। मुजफ्फरगढ़ ज़िले की तहसील अलीपुर में जब आप आएँ तो अलीपुर शहर से गुज़र कर आपको सीतपुर आना पड़ेगा। वहाँ पर रियासत सीतपुर के हुक्मरान ताहिर ख़ान नाहड़ और उनके वालिद साहब के मकबरे पर, ये अजीम शान मकबरा जो दुनिया की नज़रों से ओझल निस्बतन कम तरक्की याफ्ता इलाके में मौजूद है, तामीर का अजीम शाहकार अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा। ये पाकिस्तान के आसार कदीमा में से 9वें नंबर पर इसका नंबर आता है। हर लिहाज से इसकी तामीर, खूबसूरती, मजबूती, डिज़ाइनिंग और दुनिया भर के सयाह जो आसार कदीमा से मोहब्बत करते हैं, जब पाकिस्तान में आते हैं तो इस मकबरे पर आना अपना फ़र्ज अवलीन समझते हैं। मुझे इस मकबरे की निशानदेही जनाब आबिद ख़ान साहब जो कि कराची में होते हैं, मेरे शहर के नौजवान हैं और सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने की थी और उन्हीं के तवस्सुत से फिर सीतपुर की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, इंतहाई इल्मी अदबी शख्सियत जनाब मियाँ तारिक साहब से भी दुआ सलाम हुई इसी हवाले से, और उन्हीं के तवस्सुत से आज मैं इसी मकबरे की वीडियो बनाने के लिए आया ठहरा हूँ। ये तकरीबन 500 साल पहले तामीर किया गया। ये एक रियासत थी, रियासत सीतपुर। सीतपुर इसका नाम क्यों पड़ा इसके बारे में भी मालूमात मियाँ तारिक साहब से लेंगे, लेकिन इस पर जो नामवर हुक्मरान रहा ख़ानदान, नाहड़ ख़ानदान उसको कहते हैं, उनके दो अजीम हुक्मरान, उनका ये मकबरा है और उनके अजीज़ व अकारिब भी उनके साथ दफन हैं। ये इसके मकबरे के बाहर जो आप फ़र्श सा देख रहे हैं, ये महकमा आसार कदीम वालों ने कुछ अर्सा पहले तामीर कराया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से इस मकबरे की मज़ीद टूट फूट होने से बच गई है, वरना मुमकिन था कि ये रास्ते अगर तामीर ना किए जाते तो ये मकबरा अब ज़मीन बोस हो चुका होता। क्योंकि जिन जिन इलाकों में ये आसार मौजूद हैं इस तरह के, जिन पर हमें फ़ख्र करके उनकी ऐसी हिफाजत करनी चाहिए थी जैसे हम अपने घर की करते हैं या अपनी औलाद की, वो जज्बा हमारे लोगों में मौजूद नहीं है और इसके बजाय हम लोगों में से अक्सरियत इसी ताड़ में रहती है कि ऐसी इमारतों को, ऐसी जगहों को कोई थोड़ा सा ऊंच नीच हो और उसकी ईंटें उठाकर, उसके दर दरवाज़े उठाकर हम अपने इस्तेमाल में ले आएं। मैं आपको ये मकबरा चारों तरफ से दिखा रहा हूँ क्योंकि फ़न तामीर का ये एक ऐसा शाहकार है जिसको देख कर दिल अश अश कर उठता है। आप तवज्जो फरमाएं कि तकरीबन 500 साल होने को आ गए और इस पर लगी हुई ईंटों के रंग अभी तक वैसे ही चमक रहे हैं जैसे उस दौर में आए थे। और इस इमारत की मजबूती आप मुलाहजा फरमाएं, इसकी चुनाई मुलाहजा फरमाएं, इसकी डिज़ाइनिंग मुलाहजा फरमाएं, और इस इमारत के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात तो मैं मियाँ तारिक साहब से लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चारों तरफ से इस मकबरे को आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप भी मेरे साथ इस मकबरे को देखकर वैसे ही आशश करें जैसे मैं इस वक्त इस मकबरे को देखकर जिस कैफियत से गुज़र रहा हूं। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत सदके वजह इंदे बनावण आलियां तू जिन्ना हूँ दौरे जरूले धागा तो सिर्फ फट्टी हो सी हूँ नाल ही को बनाया हा। अजकल तो मशीनी दौर है, कंप्यूटर का दौर है, वो सहूलियात मयसर हैं जिन्हों का ख्वाब डिठा बन सकता हूँ जमाने, लेकिन वल भी अज की दौर की इमारतों की चुनाई उन्हों की बनावट देखते वो चस नहीं आती जड़ी कि पुराने दौर के कारीगर के बनाया हुआ इन्होंने इमारतों को देखते आँदी है।
आप देखें ये चारों तरफ इसके ये खिड़कियां सी लगी हुई हैं जो अब बंद हैं, और इस पर बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। इसके चारों तरफ ये जो आपको सुराख से नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें सामने, ये तकरीबन बेइंतहा हैं। ये पहले मैंने समझा कि शायद इस पर चिराग रखे जाते होंगे रोशनी के लिए, लेकिन मैं हैरत ज़दा रह गया जब मुझे ये बताया गया कि इन सुराखों के आगे तकरीबन 10-10, 12-12 फुट चौड़े खाने बनाए गए हैं, जिनमें वो सारी ज़बानें तो कबूतर को लठा दें, अब मुझे याद नहीं आ रहा भी उसको उर्दू में क्या कहते हैं, इनमें बेइंतहा सैकड़ों की तादाद में लठों की रिहाइश थी, और वो इस मकबरे की रौनक हुआ करते थे। लेकिन फिर जूँ जूँ इर्द गिर्द आबादी बढ़ती गई और वो लोग जिनको किसी शय से कोई दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ वक्ती मज़े के लिए या फ़ायदे के लिए वो ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं, उन्होंने उन बेजान लठों को बेज़ुबान लठों को मार मार कर शिकार कर कर के इस हद तक पहुंचा दिया कि अब वो नापैद हैं। और ये खाने जो कभी भरे हुए हुआ करते थे और उनकी घुटर गूँ से एक अजब समा यहाँ महसूस होता था, वो सारा माहौल ख़त्म हो गया है। ये देखिए आपको हर 2-4 फुट के बाद ऐसा ही एक खाना मिलेगा जिसमें इन लट्ठों की रिहाइश थी। अब ये तकरीबन 3 मंजिलों पर मुश्तमल है, तीसरी मंजिल पर इसके गुंबद बना हुआ है, गोलाई में इंतहाई खूबसूरत। और इतनी फरावानी से ये पिचीकारी का काम किया गया है जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में मौजूद किसी और मदरसे मकबरे या जैसे बड़ी बड़ी इमारात बनाई गई हैं उनमें किसी में कम ही इतना पिचीकारी का काम होगा जितना इस मकबरे में मौजूद है। और मियां तारिक साहब बता रहे थे कि जब बारिशें होती हैं तो ये पिचीकारी के नमूने ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे आज ही इनकी फिटिंग की गई हो। मैं अब आपको मकबरे के अंदर ले चलता हूँ। ये सामने मियां तारिक साहब हैं, तो मैं अपने वसेब के लोगों को आखसा जो यो जो लोगों की कदर करो, इन्हां दी लंबी उम्र सेहत दे नाल वास्ते दुआ मंगी करो। ये लोग मौजूद हैं तो वसेब का विरसा जड़ा है तुसा लोगों तक पुजदा पे, दर्द रखने वाले लोग हैं। अल्लाह पाक इन्हें को सलामत रखे। इनसे तफसीली बातचीत अभी करते हैं, लेकिन मैं ये आपको इसका दाखिली दरवाज़ा दिखा दूँ। ये मियाँ से मुझे बता रहे थे कि इस दरवाज़े की लकड़ी के मुतल्लिक ला तदाद इबहाम थे। कभी कहा जाता था कि ये दियार का बना हुआ है, कभी कहा जाता था कि ये सागवान का है, कभी किसी लकड़ी का। लेकिन बाद अज़ तहकीक मालूम हुआ कि ये शीशम के दरख्त की लकड़ी है, जिसके अब दरख्त बरेसगीर पाक व हिंद में नापैद हैं। और इस पर जो कशीदाकारी या नमूने बनाए थे गए थे खूबसूरत, वो ज़माना गुजर गया, 500 साल होने को आ गए। अगरचे देखें उनकी मध्यम मध्यम सी तस्वीर अब भी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो चमक दमक जो उस दौर में होगी या कुछ अरसा पहले तक थी वो अब नहीं है। लेकिन इस पर देखें कि कारीगरों ने अपने फ़न का कमाल किया है, यानी मुझे लफ्ज़ नहीं मिलते बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर जा खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जब से ये चैनल शुरू किया है ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन व्लॉग यही वाला होगा। इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज कुछ अजीब सी कैफियत तारी हुई है मुझ पर, ख़ास तौर पर जब मैं मकबरों में अंदर दाखिल हुआ हूँ सलाम करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए उन अजीम हुक्मरानों को जिनके नाम से ये इलाके जाने पहचाने जाते हैं। ये ऊपर सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता है, लेकिन क्योंकि अब आसपास बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है तो छुअर छिटकर उत्ते चढ़ने लें दवल पर्दे का मामला पौधा तो छेड़ा पौधा होगा, इसलिए अब इसको बंद कर दिया गया है। अब ये मैं आपको अंदर ले आया हूँ।
ये अंदर दाखले से हाय 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 दसो सी लफ्ज कितू खेना जेड़े ये चुनाई दी इंदी खूबसूरती दी इंदी बनावण दी तारीफ करन दसो कमाल। और ये देखें कि 500 बरस होने को आ गए, ये जो पिचकारी का काम किया गया है और इसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो अभी तक ये देखें अपनी असली हालत में चमक दमक के साथ महफूज है। ये जनाब ताहिर ख़ान साहब बहिश्ती और उनके वालिद साहब, ये उन दोनों के मकबरे हैं। मोहम्मद ख़ान साहब, उनके वालिद का नाम मोहम्मद ख़ान था। मोहम्मद ख़ान साहब का मकबरा जनाब ताहिर ख़ान साहब बहिश्ती ने अपनी निगरानी में तामीर कराया था। फिर जब ताहिर ख़ान साहब की वफ़ात हुई तो उनको भी यहीं दफन किया गया अपने वालिद साहब के साथ। तो इर्द गिर्द 32 से ज़ायद कबूर थीं जिनको फिर महकमा आसार कदीमा वालों ने कुछ साल पहले जब इस मकबरे की कुछ मुरम्मत की और बाहर वो जो मैंने आपको रास्ते दिखाए हैं वो बनाए, तो इन कब्रों को महदूद करके थोड़ा कर दिया गया। उनके निशानात कुछ कुछ बाकी हैं, लेकिन इससे पहले जिस नमूने से ये कब्रें तामीर की गई थी वो इंतहाई दीदाज़ेब और ख़ूबसूरत था, लेकिन क्योंकि वो शिकस्ता हालत में थी तो इसलिए उनका निशान अब बाकी है। ये शुक्र है कि जनाब मोहम्मद ख़ान साहब बहिश्ती और जनाब ताहिर ख़ान साहब बहिश्ती की दोनों कबूर सही सलामत मौजूद हैं। मैं अंदर एक तफसील आपको दिखाने से पहले चाहूँगा कि मियाँ साहब से कुछ मालूमात उनकी ज़ुबानी हासिल करें। ये हैं मियाँ तारिक साहब, सीतपुर की इल्मी अदबी शख्सियत हैं, तो उनसे सुनते हैं इस मकबरे के बारे में और सीतपुर की तारीख के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नियाज़ साहब, पहले तो आप मैं मशकूर हूँ आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये खुफिया गोशा जो था तारीख का आपने इसको अपनी वीडियो की रौनक बनाया और उम्मीद है इसको लोग देखेंगे और बहुत महजूज होंगे इंशाअल्लाह। ये 500 साल पुराना मकबरा है, इसकी फ़न तामीर लाजवाब किस्म की है। इसकी 9 फुट चौड़ी दीवारें हैं, 9 फुट चौड़ी दीवारों में तकरीबन ये हष्ट पहलू बना हुआ है। अंदर की तरफ से इसकी ऊंचाई 50 फुट है, बाहर की तरफ से इसकी 58 फीट के करीब है। और इसमें पहले जैसे नियाज़ साहब ने बताया है कि 32 के करीब कब्रें थीं, अब उनकी तादाद कम करके 15 के करीब कर दी गई हैं। इसमें सबसे मज़ेदार जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना वो मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को। इसकी छत में एक ज़बरदस्त किस्म का मूसल लगा हुआ है लोहे का, जो उस वक्त फ़न तामीर का एक नमूना है। ये आसमानी बिजली से बचाने के लिए इमारत को लगाया जाता था। इसके अलावा इसमें 6 लेयर्स हैं तकरीबन 3 इंच मोटी लकड़ी की लगी हुई इसकी चुनाई में। अच्छा, वो उनका मकसद ये है कि ये शॉक्स ऑब्जर्वर का काम देती हैं, अगर कोई अर्थक्वेक है या मौसमी सर्दी गर्मी को कवर करने के लिए, ताकि इसमें किसी किस्म की इमारत को दरार ना पड़े। वाह, ये इसकी खूबसूरती है। और इसमें सरामिक्स टाइल्स का बेइंतहा इस्तेमाल है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर इसके ऊपर टोंब तक जाता है, गुंबद तक जाता है। ये 2 मंजिला है, तीसरी मंजिल इसकी ग्राउंड फ्लोर वाली भी ज़मीन से तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। अब इलाकाई ज़रूरियात इमारत बनने की वजह से कुछ कम होकर 3-4 फुट तक रह गई है। मियाँ साहब, वो जो तहें बता रहे थे लकड़ी की, मैं हैरान हुआ ठहरा हूँ कि 400 साल 500 साल पहले के कारीगर इतने ज़हीन लोग थे कि जलजले से बचाने के लिए वो तहें इसमें लगाई गई। लकड़ी की मैं आपको वो तह दिखाना चाहता हूँ, 6 अदद तहें हैं ऊपर तक। ये मुलाहिज़ा फरमाएं आप, ये वो लकड़ी की ज़मीन से लेकर यहाँ तक मेरे ख्याल में ये तीसरी तह है। फिर इसी तरह 3 और तहें हैं, यानी 6 तहें ये लकड़ी की इसलिए नीचे लगाई गई और इंतहाई कीमती लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी ताकि कोई जलजले वगैरह का झटका हो तो इस इमारत को कुछ ना हो। आज मैं हैरान होता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें
जिनमें ना सीमेंट है ना सरिया है, यानी आजकल के जो लवाजमात हैं मजबूती के, उनमें से किसी चीज़ का नामो निशान ना है, लेकिन अपनी आबोताब के साथ ठहरी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस दौर के कारीगर इतने ज़हील लोग थे, इतने फॉरवर्ड लोग थे कि उस दौर में भी उन्होंने इनकी मजबूती के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये देखें आपको वो उस सामने जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं उसके नीचे लकड़ी का काम नज़र आ रहा होगा, ये भी एक तह है। और यहाँ आपको 1915 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये 1915 में ये ऊपर ये 1915 में अंग्रेज़ों ने इस मकबरे की रेनोवेशन करवाई थी, तो इसलिए 1915 की वो पट्टी भी लगा गए निशानी के तौर पर। मियां साहब बता रहे थे कि इस आसारे कदीमा वाले अंग्रेज़ हुक्मरानों की तरफ से यहाँ आए और इस मकबरे को उन्होंने संभाला दिया, और वो जाते हुए वही सन जो है वो लेकर चले गए। ये ऊपर मैं इसको आपका गुंबद दिखा दूँ, इंतहाई खूबसूरत, और ये दरमियान में जंजीर सी आपको दिखाई दे रही होगी। ये मियाँ साहब बता रहे थे कि ये नीचे जो लकड़ी वाली तह है आपको दिखाई दे रही है, रोशन बड़े रोशनदानों के साथ यहाँ तक ये हुआ करती थी, और ये इसलिए थी कि आसमानी बिजली गिरे तो उसका असर इस इमारत पर ना पड़े। यानी मैग्नेट सिस्टम आप इसको कह लें, और इस इमारत की आज सरदार मुश्ताक अहमद ख़ान साहब हमारे वसीब की नामवर शख्सियत हैं, तारीख से उनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं वसीब के लोगों को कहूँगा कि आप लोग इन लोगों की ज़्यारत करने के लिए आए हैं, मुश्ताक अहमद ख़ान साहब की और मियां तारिक साहब की, इन लोगों की ज़्यारत करने के लिए आया करें, इनके पास इनसे कुछ सीखें, ताकि आने वाली नस्लों को आप कुछ बताने के काबिल हो सके। क्योंकि अब वो दौर तो ख़त्म हो गया ना, जो इन अपने विरसे से मोहब्बत करने वाले लोग पहले अक्सरियत में थे, अब मुख्तसर सी तादाद में हैं, और ये हमारे लिए गनीमत है कि ये लोग मौजूद हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जी मियां साहब, सर कुछ भी अड्डे सो मियाँ साहब जी मकबरे के मुतल। हाँ, ये अपना ताहिर खान ने अपने वालिद के लिए बनवाया था मकबरा, उन्होंने वालिद साहब दी थे, उन्होंने हुक्मरानी के मुतल डे सो उनकी हुक्मरानी मोहम्मद खान साहब के दौर में इनके हुक्मरानी का जो हदूद अरबा था वो कश्मोर, कुन और रुझान इस तरह से होते हुआ डेरा गाजी खान तक और सीतपुर तक, अलीपुर तक था। ये बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। अच्छा, तो इन्होंने बहुत से तरक्याती काम भी कराए, दरिया सिंध के रुख तब्दील करने के बाद और मोहम्मद खान की वफात के बाद ये रियासत तीन हिस्सों में तकसीम हो गई, जो कि मोहम्मद खान के तीन बेटों में तकसीम हुई। सीतपुर का हिस्सा ताहिर खां के हिस्से में आया, कुन का हिस्सा कासिम खां के हिस्से में आया, और तीसरा जो कश्मोर वाला हिस्सा था वो उनके तीसरे बेटे के हिस्से में आया। अच्छा, ये इतनी बड़ी अच्छा, भाइयों के दरमियान कोई लड़ाई हो गई इस मामले पर, ये क्या मालूम नहीं है। बहरहाल जो तारीख बताती है वो यही है कि इन तीन भाइयों में ये तकसीम किया गया। सही, तो हर एक ने इनमें से जो सबसे ज़्यादा सखी और मुदब्बिर हुक्मरान था, जिसने अपने इलाके की बुदबाश के लिए और तरक्की के लिए काम किया, वो सिर्फ ताहिर खान ही था। इसने अपने इलाके में बेइंतहा तरक्याती काम कराए, और यहाँ पर बहुत सी इमारतें हैं जो सीतपुर के इर्द गिर्द फैली पड़ी हैं, बेइंतहा इमारतें हैं जो आसार कदीमा की तवज्जो चाहती हैं, और जो गिर चुकी हैं, टूटी फूटी हैं, बहुत सी इमारतें हैं यहाँ पर जो तारीख का एक हिस्सा है, विरसा है। वाह वाह, खान साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? बस समझ लें कि रूह की प्यास बुझ रही है, सरसर महसूस कर रहा हूँ, और सीतपुर की फिजाओं में आके जो ना हज़ारों साल पुरानी तहजीब को, सकाफत को देखा, महसूस किया, और उन जो ना कल भी वारदात या कैफिया से गुजरा हूँ। इसके बाद जो ये ताहिर खान साहब का जो ना जो मकबरा है इसको देखा, और ख़ास तौर पर जो ना मियाँ साहब इनकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मेरा ख्याल था कि शायद जो है ना वो सिर्फ दिलचस्पी रखने वाले होंगे, लेकिन बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, इनके जो है ना वो मैं ज़ौक की भी दाद देता हूँ, और यही लोग जो है हमारे लिए सरमाया है, जो है हमारी नई नस्लों को जो है मुतार भी करा रहे हैं और इनके हवाले से मालूम भी दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है। अलहमदिल्ला वसीब वाले, ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो बाख्तियार हैं, जिनकी रसाई ऊंचे ऐवानों तक है, तो ये मिटती हुई निशानियों को महफूज कराने के लिए तगोदौ करें।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਵੱਲ ਕਹੀਂ ਯਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਰਲਾ ਅਤੇ ਗੱਕਿਆਂ ਪਾ ਅਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਅਤੇ ਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਬਾਖਤਿਆਰ ਲੋਗੋ ਉੱਚੇ ਅਵਾਨੋ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਕੋ ਸੰਭਾਲੋ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੋ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਵੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੋ ਵਿਰਸਾ ਹਮਾਰਾ ਜਿਸ ਪਰ ਹਮਾਰੀ ਨਸਲੇ ਫਖਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਕੋ ਇਨਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵਲੋਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਥਾੜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਸੁਜਾਣਿਆ ਵੇਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਲ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਨਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦਫਨ ਥਾਏ ਪੈਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀਵੋ ਅਤੇ ਲੱਖ ਥੀ ਵੋ ਸ਼ਾਲਾ।